UPSC मीन्स दोस्तों यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, यहाँ पे डिफेंस वैकेंसियाँ अक्सर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको CRP और BSF, CISF, ITBP और SSB की आपको कई बड़ी भर्तियाँ जो है डिफेंस की जारी की गई इनके द्वारा। कैसे अप्लाई करना है, कब से अप्लाई करना है और आप लोग को यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन देनी है, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ऑफिशियल आपकी नोटिफिकेशन है ये, इसको यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप लोग डाउनलोड करके इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए वैकेंसी के बारे में हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है BSF में आपकी जो वैकेंसी जारी की गई है 100 है, CRPF में आपको 108 पोस्ट मिलेगा, CISF में 28 पोस्ट है, ITBP में 21 पोस्ट है, SSB में 66 पोस्ट है, टोटल इसमें आपको 323 पोस्ट इनके द्वारा जारी की गई है। अब चलिए बात करेंगे कैसे कैसे आप लोग को अप्लाई करना है, कहां कहां के लिए यहां पे जारी की गई है। तो यहां पे आपको बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगी, ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर है, आपको इस जगह पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले दोस्तों हम चलिए चलते हैं वहां पे इस वेबसाइट पे जहां पे इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स बताई गई हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहां पे बात करते हैं इस फॉर्म के पूरे डिटेल के बारे में। ओके गाइस, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आपकी ये जो भर्ती जारी की गई है, ऑर्गेनाइजेशन नेम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के द्वारा वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में यदि हम बात करें, स्टार्टिंग जो आपका फॉर्म का डेट है 18 अगस्त से ये आपकी वैकेंसी जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। आप सभी कैंडिडेट को ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, इस फॉर्म का जो आपको लास्ट डेट मिलेगा 7 सितंबर तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो दिसंबर 2020 में आपका एग्ज़ाम होगा, 20 दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम होगा। आपका एडमिट कार्ड जो जारी होगा वो दिसंबर 2020 में जारी हो जाएगी। एप्लीकेशन यहाँ पर फी जो पेमेंट करना पड़ेगा जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 200 रुपीस है, SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फी नहीं है। आप सभी कैंडिडेट को आप चाहे तो ऑफलाइन फी पेमेंट करना चाहते हैं तो चालान के द्वारा फी पेमेंट कर सकते हैं, या आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा फी पेमेंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी क्वालिफिकेशन। जिनके पास बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन है वो इस वैकेंसी को किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री की चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन हो, मीन्स दोस्तों आपके पास BA, BSc, BCOM, आपके BA में कोई भी आपका स्ट्रीम हो यानी कि सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप अगर BA का क्वालिफिकेशन किए हैं इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, या BSc या BCOM आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ये बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 5 प्रकार की आपको यहाँ पर डिफेंस वैकेंसियाँ जारी की गई हैं, CISF, CRPF, BSF, ITBP और SSB की भर्ती जारी की गई हैं। इसमें जो एज मांगी गई है 1 अगस्त 2020 से आप लोगों की एज मांगी गई है। जो भी कैंडिडेट 20 वर्ष के हो चुके हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, और जो भी कैंडिडेट 25 वर्ष तक हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उससे ज़्यादा के कैंडिडेट वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो SC ST और OBC कैटेगरी में आएंगे। SC ST के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। जनरल कैटेगरी में अगर जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको यहाँ पर कोई छूट नहीं दी जाएगी, उनका यहाँ पर मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 25 वर्ष। इस फॉर्म को सभी कैंडिडेट ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे अप्लाई, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आप इंडिया के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, महिला पुरुष इस फॉर्म को करेंगे अप्लाई। यहाँ पे जो सैलरी है वो एज पर रूल्स है, इसलिए दोस्तों कि आपको यहाँ पे कई प्रकार के डिफेंस भर्तियाँ जारी की गई हैं जिसमें सबका अलग अलग यहाँ पे पे स्केल है, तो आप लोग को एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन जो यहाँ पे बताई गई है ऑल ओवर इंडिया, जिनका भी सिलेक्शन होगा तो इंडिया में ये जॉब आपको कहीं पे भी करनी पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोसीड क्या होगा सबसे पहले ये जानते हैं। आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड रिटर्न एग्ज़ाम होगा, जो कि आपकी ये ऑफलाइन OMR सीट के द्वारा ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, और आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने के बाद आपका होगा सिलेक्शन। इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारा डॉक्यूमेंट्स मैंसन की गई हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म को सबमिट करते समय देना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे फिजिकल डिटेल्स, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमेंट में पूछे जाते हैं कि यहाँ पे फिजिकल डिटेल्स क्या मांगी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट के बारे में। मेल कैंडिडेट का जो हाइट यहाँ पे मांगा गया है 165 सेंटीमीटर, जो कि सबसे अच्छा यहाँ पे बात है, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए यहाँ पर हाइट जो है 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट का लिया जाएगा, जिसमें 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट मांगी गई है। यहाँ पर दोस्तों जो रनिंग है वो आपका 2 स्टेज में रनिंग होगा। सबसे पहले यहाँ
यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज के बारे में। तो मेल कैंडिडेट का जो रनिंग है 100 मीटर आपको रनिंग करना है, 16 सेकेंड में कंप्लीट करना पड़ेगा ये रनिंग। उसी प्रकार फीमेल के लिए 100 मीटर आपको रनिंग करना पड़ेगा, 18 सेकेंड में कंप्लीट करना है। एंड बात करेंगे सेकेंड स्टेज का, तो यहाँ पे सेकेंड स्टेज में मेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रनिंग करना है, जो कि आपको 3:45 में ये रनिंग आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 800 मीटर रनिंग करना है, जिसमें आपको टाइम जो दिया जाएगा 4:45। एंड गाइस यहां पे हम बात करेंगे लॉन्ग जंप के लिए, तो लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 3.5 मीटर करनी है और फीमेल के लिए 3 मीटर लॉन्ग जंप लगानी पड़ेगी। शॉर्ट पुट जो लगानी है ओनली मेल कैंडिडेट के लिए 7.26 किलोग्राम, जो कि 4.5 मीटर ये आपको शॉर्ट पुट करनी पड़ेगी। चलिए अब यहाँ पे बहुत सारी हो गई यहाँ पे बातें कि फॉर्म के डिटेल के बारे में, कैसे आप लोग को अप्लाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये बेसिकली आप लोग फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप ये जान लीजिए ये आपके रजिस्ट्रेशन दो प्रोसीड में पूरा होगा, पहले आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सेकेंड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये सारे जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने प्रोवाइड कर रखा है, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे तो आप रीडायरेक्ट किए जाएंगे UPSC के ऑफिशियल पेज पे, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आपको कई प्रकार की वैकेंसियाँ जो है मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे देखिए बहुत सारी UPSC के द्वारा वैकेंसी जो है अभी फिलहाल चल रही है, तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो फर्स्ट के बारे में सबसे ऊपर है CPF, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में हम बात करेंगे, 2020 की वैकेंसी है, नोटिस डेट यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको मेंशन की गई है। अब देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आपका सेकंड रजिस्ट्रेशन है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेकंड रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये दोनों रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी कैंडिडेट जनरल और OBC कैटेगरी में आएंगे। तो यहाँ पे आपको फी पेमेंट करने का लिंक मिल जाएगा, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज फिर से ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। ये पेज जो है मोबाइल में ओपन नहीं होगा, आपको कंप्यूटर और डेस्कटॉप का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने देखिए मेंशन किया है साफ साफ, यदि आप लोग SC/ST कैटेगरी में आएंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करना है, उसके बाद आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन के बारे में भी हमने आपको बता दिया है कि कैसे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, यहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक प्रोवाइड कर रखा है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो भी आपका बेसिक इंपॉर्टेंट डिटेल्स है आप उसे चेक कर सकते हैं, और यदि आप लोग को फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। और गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत ही आपको डीपली जाके इस फॉर्म के बारे में पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मन में ज़रूर कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमसे आप पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। गाइस जय हिंद।